नार दंभ ब्रह्मा ना पाई, नाक कटाए सती कहलाई। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो विसात ही क्या है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। शाम के समय भी एक सराय में जाकर लगे। उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भैया मैं एक यात्री हूं, आगे मुझे बहुत दूर जाना था, पर रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने घर में ही गुजार लेने दो, सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय तुम मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो, और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय आज की रात ये सन्यासी हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन पानी की लेटने बैठने की व्यवस्था करना, तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर अभी आता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वो स्त्री व्यभिचारिणी थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के भोजन पानी और सैया की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। और सच कहा है कि जिस दिन आकाश बरसाऊ बादलों से घिरा हो, गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन ना हो, पति परदेश गया हो, तो व्यभिचारिणी स्त्रियों के मन का हो जाता है। मित्रों, कहते हैं उल्टा स्त्रियों का अपने पतियों में तो अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत पर पुरुषों में उनकी आसक्ति खूब होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत रुचि रहती है और अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं और किसी के प्राण भी चले जाएं तो भी वे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। मित्रों, पति के जाते ही उस दूषित चरित्र स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर और उसका बिस्तर करके और उससे कहा, है सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूं, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी, तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना कहकर वो सिंगार आदि करने के बाद अपने मित्र से मिलने चल दी। जैसे ही वो घर से निकलकर चली, संयोग से उसका पति उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वो डर के मारे एकदम पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी। और थोड़ी देर पहले तो वो उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी ये श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहां जा रही थी। वो उसकी कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, हे दुष्टा, तू इस समय कहां गई थी। पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहां जाऊंगी, लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, हे कुल कलंकिनी, तुम्हारे लोक अपवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है, आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। मित्रों, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पीटा और उसे घर के एक खम्भे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वो भी जाकर सो गया। इधर एक नायन उसकी सहेली थी, जब उसने उसके पति को शराब के नशे में सोते हुए देखा तो मौका पाकर वो अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वो बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी, सहेली बात तो तुम्हारी ठीक है,
पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूं, मैं वहां कैसे जा सकती हूं? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। नयन कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, ये सुबह से पहले नहीं जगेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूँ, तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। नयन की बात उसके अच्छी तरह समझ में आ गई थी, उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली नयन को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। इधर क्या हुआ, उसका शराबी पति नींद से जागा, नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर कहने लगा, देख आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूं वो मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली नयन है। आवाज पहचाने जाने के कारण नयन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बुनकर ने फिर वही बात दोहराई पर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को फिर गुस्सा चढ़ाया, उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ फिर सो गया। इधर वो सन्यासी ये सारी कहानी देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौटकर आई तो उसने नयन से पूछा, अजी सहेली तो ठीक तो है, मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं? नयन बोली, बहन तू अतिशीघ्र मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो तेरे धोखे मेरी नाक काट डाली। बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नयन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, मुझ जैसी सती को नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? स्वांग रचती हुई बुनकर की स्त्री कहने लगी, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर वरुण इंद्र धरती आकाश पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूं, मैंने मन से भी दूसरे पुरुष की इच्छा ना की है, तो देवगणों मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में परपुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वो दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख मेरे सतीत्व की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में मसाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वो एकदम से भयभीत हो उठा, डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठा कर नाना भांस से उससे क्षमा मांगने लगा। वो इसे चमत्कार समझकर वो अपनी स्त्री को देवी की भांति समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वो सन्यासी भली भांति समझ रहा था जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वो सन्यासी पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देखता रहा, सोचने लगा, धन्य है तिरिया चरित्र की लीला, दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले के साथ रोती हैं, तथा जो उन्हें पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती हैं। ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। कहते हैं कामी पुरुष इसी अल्प सुख के लिए ठग जाता है, भौरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में अपने हाथों से अपनी छाती और माथा कूटते हैं। ये सब सोचते सोचते सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। उधर नकटी नयन ने सोचा कि रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा यत्न करूं कि इस भेद को उजागर ना होने दूं। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति नाई जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया था, सुबह सुबह वो लौट कर आया और लोगों की हजामत बनाने के लिए नयन से अपने हजामत बनाने वाले औजारों की पेटी मांगने लगा। परंतु नयन ने क्या किया, वो अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसने पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया।
नाई ने देखा कि इसने पेटी की जगह एक छुरा मुझे दिया है, वो भी फेंक कर। तो उसने वो छुरा नायन की ओर गुस्से से फेंकते हुए बोला, ये छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी ही मुझे दे दो। नाई ने जैसे ही छुरा नायन की ओर फेंका, नायन का मौका लग गया। वो अपनी नाक पकड़कर चिल्लाती हुई घर से बाहर आकर चीखने लगी, कहने लगी, अरे देखो मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मुझ जैसी सतवंती नारी की नाक काट कर मुझे कलंकित कर दिया। मित्रों, अब क्या था, स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए और बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना कसूर अपनी स्त्री की नाक काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वो परपुरुष को चाहती थी? क्या वो किसी परदेशी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। नाई को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने बिना अपराध पत्नी की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग और आवाज बदल जाती है, वो नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसका तेज उड़ जाता है। याद रखना मित्रों, जिसके मुख का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलते पर पैर लड़खड़ाते हो, जो भर्राई हुई आवाज में बोलता हो, जो नजर झुकाकर बात करता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही बेचारे निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उधर उसी सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है, यह गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है, इसकी स्त्री ने त्रिया जाल रचकर इसे फंसाया है। अब तो सन्यासी ने बुनकर के घर की रात वाली घटना पूरी राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो बुनकर ने भी बताया कि रात में उसने अपनी स्त्री के धोखे ही शायद इस स्त्री की नाक काट दी है। राजा ने नाई को तो छोड़ दिया, बुनकर और नाई की स्त्री के नाक कान कटवाने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी, ये पांचों बद के योग नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों कुलटाओं के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया, सोचने लगा, किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।